यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। 12.1 निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1, कॉज इनवर्स -1/2, सेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1/√3 और छठा प्रश्न है टेन इनवर्स 1/√3। तो अब इसका हल इस प्रकार है, देखो पहला प्रश्न लेते हैं अपन। तो पहला प्रश्न अपन लेते हैं, पहले का पहला साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 है तो अपन इसको हल यू मानेंगे, माना कि साइन इनवर्स 1 बराबर थीटा टेनिंग टू साइन थीटा का मान आ गया 1। तो 1 जो होता है साइन थीटा 1 आ गया साइन पाई बाई 2 का मान 1 साइन, आप ऐसा कर दो पाई बाई 2 बराबर होता है 1। तो साइन थीटा बराबर हो गया साइन बाई पाई बाई 2। तो थीटा क्योंकि थीटा बराबर मान आ गया पाई बाई 2, ये साइन और ये साइन, तो थीटा का मान आ गया पाई बाई 2। तो थीटा बराबर पाई बाई 2 बिलोंग टू इसका जो परिसर है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ये मान हुआ अपने पास। अब आप देखो इसका मुख्य मान, अतः साइन पॉजिटिव है अतः मुख्य मान जो प्लस में है तो थीटा का मुख्य मान आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक, प्रश्न नंबर लेते हैं दूसरा, कोज इनवर्स -1/2। तो इसमें अपन माना कि कोज इनवर्स -1/2 बराबर मान लिया अपन ने थीटा थीटा मान लिया तो कॉज थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास -1/2 आ जाएगा। तो आपके पास ये माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा कॉज माइनस बार है, एक बटा दो मान होता है कॉज 60 का पाई बाई 3। तब ये माइनस है तो माइनस कॉज कब आता है, कॉज पाई माइनस पाई बाई 3, दूसरे में कॉज नेगेटिव होता है तो ये कॉज थीटा, ये कॉज थीटा। अब देखो कॉज थीटा लसा पाई 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से पाई गया कॉज 2π/3, कॉज थीटा। तो ये कॉज थीटा का मान है, ये भी कॉज थीटा का मान है, तो थीटा बराबर आ गया अपने पास 2π/3 और 2π/3, क्योंकि कोज का जो मान आता है वो 0 और पाई बाई के मध्य होता है, बिलोंग टू 0 और पाई के मध्य है। तो इसका मुख्य मान, अतः मुख्य मान थीटा का मान आ जाएगा अपने पास 2π/3, क्योंकि अब इसको रिपीट करते हैं अपन वापस। देखो साइन इनवर्स 1 बराबर, माना कि साइन इनवर्स 1 बराबर मान लिया अपने थीटा, साइन थीटा बराबर आ गया 1 और 1 आता है साइन पाई बाई 2 का मान, साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 2, ये भी साइन है ये भी साइन है, तो थीटा का मान आ गया पाई बाई 2। तो साइन थीटा का जो मान है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के मध्य आता है इसका मुख्य मान, अतः मुख्य मान थीटा का मान आ गया पाई बाई 2। ये बंद अंतरांतर अंदर माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के मध्य आता है इसका परिसर, कॉज इनवर्स -1/2।
माना कि कोज इनवर्स माइनस एक बटा दो बराबर थीटा, तो कोज थीटा बराबर हो गया माइनस एक बटा दो, तो कोज पाई बाई टू माइनस तो मैंने नहीं, पाई बाई टू का मान कोज साठ का मान आता है, पाई बाई थ्री माइनस यू कहूँ तो कोज नेगेटिव होता है दूसरे में, तो कोज का मान जीरो और पाई के मध्य होता है, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, थ्री पाई में से पाई गया टू पाई बाई थ्री, ये कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, थीटा बराबर आ गया टू पाई थ्री, क्योंकि कोस थीटा का मान जीरो और पाई के मध्य आता है, अतः मुख्य मान जीरो और पाई के मध्य आएगा, अतः मुख्य मान थीटा का मान आ गया टू पाई बटा थ्री, टू पाई बटा थ्री। आपके पहले का तीसरा स्केल इस प्रकार, देखो सेक इनवर्स माइनस रूट टू बराबर रख दूं मैं थीटा, तो आप देखो इधर सेक थीटा बराबर आ जाएगा माइनस रूट टू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस रूट टू बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर माइनस रूट टू, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सेक थीटा को चाहो तो कोज में भी कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो सेक थीटा बराबर माइनस सेक रूट टू मान आता है पाई बाई फोर का, तो ये सेक पाई बाई फोर माइनस है, तो सेक दूसरे में माइनस में होता है, नेगेटिव होता है दूसरे में, दूसरे चतुर्थांश में, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर सेक थीटा, तो ये आपके सेक थीटा बराबर सेक, ये आपके आगे पाई बाई फोर आ गया कॉमन, टू पाई प्लस पाई सेक पाई और टू पाई हो गया, ये आपके थ्री पाई बटा फोर सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान जो होता है थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास थ्री पाई बाई फोर, ये थीटा का मान अपने पास होगा पाई बाई टू की तरफ से खुला अंतराल और पाई के मध्य बंद अंतराल, तो थीटा का चूंकि मुख्य मान थ्री पाई बाई फोर है, सेक इनवर्स माइनस टू रूट टू बराबर थीटा माना, तो माइनस रूट टू बराबर सेक थीटा बराबर माइनस रूट टू, तो रूट माइनस ही आ गया, रूट टू आता है सेक पाई बाई फोर का मान और माइनस सेक आता है दूसरे में पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर लसा भागी फोर, टू पाई प्लस पाई थ्री पाई बाई फोर, थीटा बराबर आ गया थ्री पाई बाई फोर और सेक थीटा का मान पाई बाई टू और पाई के मध्य आता है, पाई बाई टू की तरफ होता है खुला अंतराल और पाई की तरफ होता है बंद अंतराल, तो मुख्य मान थ्री पाई बाई फोर है। फिर अपने पास है कोसेक इनवर्स माइनस वन बराबर अपन ने सीधा मान लिया थीटा, तो देखो इसका मान सीधा मान लिया अपन ने थीटा, तो कोसेक चूंकि कोसेक थीटा बराबर आ गया माइनस वन, और साइन इसको कोसेक थीटा को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूं तो वन अपॉन साइन थीटा बराबर माइनस वन, क्योंकि साइन थीटा बराबर आ जाएगा माइनस वन, साइन थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा बराबर आ जाएगा माइनस वन, और साइन थीटा बराबर आ जाएगा माइनस वन, तो साइन थीटा बराबर आ गया साइन माइनस पाई बाई टू, तो थीटा का मान आ गया माइनस पाई बाई टू बिलोंग टू, ये आपके साइन थीटा का मान माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के मध्य होता है बंद अंतराल, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के मध्य होता है, तो थीटा का मुख्य मान आ गया अपने पास ही, तो थीटा का मुख्य मान आप चाहो तो ये लिख सकते हो मुख्य मान पाई बाई टू। प्रश्न नंबर पांच कोट यूनिवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री, तो इसका हल ये इस प्रकार है, देखो तो आप मान लो इसको माना
इसमें डायरेक्ट मान लिया अपने कॉट इनवर्स माइनस एक बटा रूट थ्री बराबर मान लिया थीटा माइनस एक बटा रूट थ्री बराबर आ गया अपने पास कॉट थीटा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर आ गया माइनस एक बटा रूट थ्री कोट आता है 60 का मान कॉट पाई बाय थ्री कोट पाई बाय थ्री। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कोट आता है दूसरा नेगेटिव कॉट पाई माइनस पाई बाय थ्री कोट दूसरा नेगेटिव होता है कोट थीटा। तो थीटा का मान आ जाएगा अपने पास पाई माइनस पाई बाय थ्री बराबर आ जाएगा कॉट थ्री पाई माइनस पाई अपॉन थ्री बराबर आ जाएगा टू पाई अपॉन थ्री। थीटा का मान ये बिलोंग टू जीरो और पाई के मध्य होता है बंद अंतरा जीरो पाई के मध्य होता है अतः मुख्य मान बराबर टू पाई बाई थ्री। वापस रिपीट करते हैं देखो कोसेक इनवर्स माइनस वन बराबर थीटा माना कोसेक थीटा बराबर माइनस वन कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन बराबर माइनस वन साइन थीटा बराबर हो गया माइनस वन साइन थीटा बराबर हो गया साइन नेगेटिव होता है माइनस पाई बाई टू तो थीटा बराबर आ गया माइनस पाई बाई टू। साइन का मान माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के मध्य होता है तो मुख्य मान आ गया पाई बाई टू। कॉट इनवर्स माइनस एक बटा रूट थ्री हल माना कि कॉट इनवर्स माइनस एक बटा रूट थ्री बराबर थीटा मान लिया मैंने तो माइनस एक बटा रूट थ्री बराबर कॉट थीटा क्योंकि कॉट थीटा बराबर माइनस ये कॉट किसका मान है कॉट साठ का मान है तो कॉट दूसरे में नेगेटिव होता है तो पाई माइनस पाई बाई थ्री नेगेटिव आ जाएगा थ्री पाई माइनस पाई बचा टू पाई बाई थ्री। तो कॉट का मान होता है जीरो और पाई के मध्य बंद अंतराल के अंदर होता है अतः मुख्य मान टू पाई बाई थ्री। सिद्ध कीजिए टू टेन इनवर्स वन बटा टू माइनस टेन इनवर्स वन बटा सात बराबर पाई बाई फोर। तो इसका हल इस प्रकार है देखो ये आपको सिद्ध करना है तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड टू टेन इनवर्स एक बटा दो माइनस टेन इनवर्स एक बटा सात। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स इस पर ये फॉर्मूला लगेगा इसमें तो टू टेन इनवर्स एक्स की जगह ये टेन इनवर्स की जगह तो टेन इनवर्स लगा रहा हूँ इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ वन एक्स की जगह एक बटा दो है दो माइनस एक बटा दो का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस टेन इनवर्स एक बटा सात दो से दो कट गया टेन इनवर्स वन वन माइनस एक बटा चार माइनस टेन इनवर्स एक बटा सात। अब देखो आप टेन इनवर्स लस्सा पाई चार माइनस वन अपॉन वन यह चार माइनस टेन इनवर्स एक बटा सात ये चार हर जब हर में अंश बटा हर हो तो हर चली जाती है अंश में टेन इनवर्स चार चार में से एक गया तीन माइनस टेन इनवर्स एक बटा सात ये आपके फिर टेन इनवर्स का फॉर्मूला लग गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो आप एक्स की जगह है चार बटा तीन और वाई की जगह है अपने पास एक बटा सात तो ये टेन इनवर्स
ये आपके टेन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा चार बटा तीन माइनस एक बटा सात वन प्लस एक्स की जगह चार बटा तीन एक बटा सात टेन इनवर्स सात इक्कीस सात चौक अट्ठाईस माइनस तीन यह आ गया अपने पास दस अब इक्कीस इक्कीस प्लस चार दस अब हर में आ गया अपने पास इक्कीस 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 कट गया टेन इनवर्स अट्ठाईस में से तीन गए पच्चीस इक्कीस और चार पच्चीस पच्चीस से पच्चीस कट गया टेन इनवर्स वन टेन इनवर्स वन बराबर होता है पाई बाई फोर बराबर आ गया अपने पास राइट हैंड साइड एच पी लेफ्ट हैंड साइकिल लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड अपने आ गया। वापस रिपीट करते हैं देखो बढ़िया प्रश्न है। सिद्ध कीजिए टू टेन इनवर्स वन बटा टू माइनस टेन इनवर्स वन बटा सात बराबर पाई बाई फोर ये सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेके चले अपन टू टेन इनवर्स वन बटा टू माइनस टेन इनवर्स वन बटा सात तो इसमें अपने लगा देंगे टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह अपने पास है एक बटा दो दो एक्स की जगह बटा दो दो से दो कट गया वन माइनस एक बटा दो का होल स्क्वायर अंश में बचा एक माइनस वन बटा दो का वर्ग हो गया चार एक बटा चार दस आ गई चार माइनस वन अपॉन चार आ गया ये ठीक टेन इनवर्स माइनस एक बटा सात ये चल रहा है कंटिन्यू ये अपने पास चार में से एक गया तीन जब हर में अंश बटा हर हो तो हर चली जाती है अंश में ये हो गया चार बटा तीन माइनस टेन इनवर्स एक बटा सात टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और वन प्लस एक्स वाई तो टेन इनवर्स एक्स की जगह है चार बटा तीन और वाई की जगह है एक बटा सात चार बटा तीन माइनस एक बटा सात वन प्लस चार बटा तीन इंटू एक बटा सात सात चौक अट्ठाईस माइनस तीन हर में आ गया है सात इक्कीस की लसक और सात चौक सात इक्कीस यहाँ आ गया इक्कीस चार इंटू एक लसक आ गया इक्कीस इक्कीस वन को सात इंटू तीन से गुणा हो जाएगा इक्कीस प्लस चार पच्चीस इक्कीस से इक्कीस कट गया अट्ठाईस में से तीन गया पच्चीस इक्कीस और चार पच्चीस पच्चीस से पच्चीस कट गया टेन इनवर्स वन टेन इनवर्स वन बराबर होता है फाइव बाई फोर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे राइट हैंड साइड आ गई आपके आंसर बहुत बढ़िया पर्सन है सिद्ध करने वाले।